लॉर्डशिप बाय ये लुकिंग सब द बेकार की बातें हैं। डिपोजिशन ये लॉर्डशिप एक्यूज को डेट ऑफ बर्थ में, इज दैट अक्यूज डज नॉट नो द एज ऑफ द प्रोसिक्यूटिक्स लॉर्डशिप पैराग्राफ थ्री ऐसा लॉर्डशिप कहीं होता है क्या? अगर मुझे ये नहीं मालूम कि आपके कितने साल की वकालत हो गई और मैं आपकी बेल खारिज कर दूं तो ये अपराध हो जाएगा। लॉर्डशिप अक्यूज क्राउडेड लॉर्डशिप एंड शी डज नॉट हैड शाउटेड एंड स्टेटेड अदर थिंग्स लॉर्डशिप उससे कंसेंट आ जाएगी। यस लॉर्डशिप अच्छा, और बताइए तिवारी जी, कहाँ से लाए ये कंसेप्ट, कहाँ से लाए कंसेंट का? लॉर्डशिप रिसेंटली बॉम्बे है मेट प्लीज योर लॉर्डशिप लॉर्डशिप दिस इज सेकंड मेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 लॉर्डशिप फर्स्ट बस डिसमिस एज विड्रॉन लॉर्डशिप ऑन जी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग माय लॉर्ड्स आर डायरेक्टेड टू कॉल फॉर द डीएनए रिपोर्ट लॉर्डशिप दिस इज द मैटर रिलेटेड टू पॉक्सो एंड 376 ऑफ आईबीसी लॉर्डशिप आगे डीएनए रिपोर्ट आपने साथ में रखा, मैं मांगा, क्या कहती थी लगी? अनइंटरप्रेटेबल है लॉर्डशिप अच्छा, आप तो प्रोसिक्यूटिक्स का बयान पढ़िए फिर, अनइंटरप्रेटेबल है तो। अच्छा, तो क्या लिख क्या बोल रहे हैं रहे हैं, पढ़िएगा जरा ये। सुनो मैं प्रियानंद को जानती हूँ आरोपी मेरे जाइए, ये पढ़िए स्टेटमेंट, कहाँ किस पेज पे पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 23 लॉज पेज 22, 23, 23 23, पढ़िए प्लीज। मैं प्रियानंद को जानती हूँ आरोपी मेरे घर के पास रहता है इसलिए मैं उसे पहचानती हूँ आरोपी शालिनी को पहचानती हूँ जो आरोपी की बहन है आरोपी पंचशालिनी को नहीं पहचानती हूँ मेरी जन्म तिथि 30/8/2006 है घटना 9 तारीख 7वां माह सन 2021 की है घटना शाम 5 बजे की है मैं घटना के पहले कुरकुरे लेने दुकान गई थी वहां पर शालिनी मिली और बोली कि हाँ घूमने जाएंगे तो मैंने कहा कि मैं घूमने नहीं जाऊंगी मम्मी पापा चिल्लाएंगे प्रियानंद आया और दोनों ने मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाया शालिनी घर पर नहीं थी प्रिय शालिनी घर पे ही रह गई थी, शालिनी घर पर ही बातों रह की गई तो कुछ थी सही भाई। आरोपी प्रियानंद मुझे परासो टोला मोटरसाइकिल से लेकर गया था आरोपी जब मुझे मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था तब मुझे धमकी दिया था कि तेरे मम्मी पापा को मार दूंगा और घर जला दूंगा आरोपी परसाटोला में मुझे अपनी सास के घर ले गया था सास का नाम मुझे नहीं मालूम मैं उसे नहीं पहचानती हूँ गिरफ्तारी पंचनामों पर लगी फोटो को देखकर बताया कि वह प्रियानंद की सास है इसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम मेरे सामने आरोपी प्रियानंद ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया था आरोपी की सास के यहाँ परस होटल में 3 दिन तक रुकी थी आरोपी ने मेरे साथ अपनी सास के घर पर रख कर मेरे साथ रेप किया था जब आरोपी ने रेप किया था तब मैंने विरोध किया था आरोपी से मैंने कहा था कि ये बात मैं घर में बता दूंगी आरोपी ने 3 दिन तक मेरे साथ रेप किया था आरोपी ने घर आकर भी धमकी दिया था कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं कुछ वो कह रही है, प्रियानंद ने मेरी आपके आपके पक्ष में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया है क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में? यस इतना बता दीजिए बस। लॉर्डशिप माय कंडीशन इज दैट अक्यूज डज नॉट नो द एज ऑफ द प्रोसिक्यूटिक्स लॉर्डशिप पैराग्राफ थ्री ऐसा लॉर्डशिप कहीं होता है क्या? अगर मुझे यह नहीं मालूम कि आपके कितने साल की वकालत हो गई और मैं आपकी बेल खारिज कर दूं तो ये अपराध हो जाएगा। लॉर्डशिप अक्यूज हैज आज हर डेट ऑफ बर्थ लॉर्डशिप ये सब बेकार, एंड लॉर्डशिप बाय ये लुकिंग सब द बेकार की बातें हैं। डिपोजिशन ये लॉर्डशिप एक्यूज को डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम थी, इसलिए इट इज नॉट अ केस ऑफ कंसेंट। कंसेंट में आएगी ना डेट ऑफ यस बर्थ, लॉर्डशिप कंसेंट इट्स नॉट अ केस ऑफ कंसेंट। माय लॉर्ड्स मे कम टू पैराग्राफ 6 एंड 7 लॉर्डशिप हाँ पढ़िए। ये सही है कि मैं ग्राम बटरवारा रहती हूँ ये सही है कि बटरवारा ग्राम की शुरुआत में प्राथमिक शाला के सामने ज्योति का फुले चौक में रहती हूँ मेरे घर से शालिनी का घर 2 परलग दूर नहीं है न्यायालय कक्ष जितनी दूरी पर न्यायालय का मुख्य गेट उतनी दूरी पर मेरे घर से शालिनी का मकान है ये सही है कि मेरे घर से शालिनी का मकान तक लोगों के मकान बने हुए
यह कहना गलत है कि मेरे घर और शालिनी के मध्य में नरेश का मकान है। यह सही है कि मेरे घर के बाद सुरेश कोटी, कोटवार, मेहतर, बसोड़ वगैरह के मकान बने हुए हैं। यह कहना गलत है कि बटरवारा रोड के आगे जाकर गोंदिया रोड से मिल जाती है। यह सही कि हमारे गांव से जो रोड लगती है वह आगे जाकर ग्राम खारा में रोड में मिल जाती है। सही है कि इस रोड पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह सही है कि मैं अपने माता पिता को बताकर घर से अकेली दुकान पर कुरकुरे लेने गई थी, कुरकुरे की दुकान के अंदर नहीं है। यह कहना गलत है कुरकुरे की दुकान के पास अन्य लोगों के मकान में। स्वतः कहा कि कुरकुरे की दुकान के सामने एक दुकान है। माई लॉर्ड द प्लेस ऑफ किडनैपिंग इज लॉर्डशिप क्राउडेड लॉर्डशिप एंड शी उसकी कंसेंट कैसे आएगी माइनर की? चलिए वो अपनी मर्जी से बैठ के गई आपके साथ, उसकी कंसेंट कैसे आ जाएगी ये तो बताइए। माई लॉर्ड द प्लेस वेयर शी हैज accommodate with the accused lordship was crowded lordship and she does not have shouted and stated other things lordship. उससे कंसेंट आ जाएगी? Yes lordship. अच्छा और बताइए तिवारी जी, कहाँ से लाए ये कंसेप्ट, कहाँ से लाए कंसेंट का? लॉर्डशिप रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट हैज क्या कहा है? दीजिए जजमेंट दीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट। लॉर्डशिप इट वाज लॉर्डशिप काइंडली बी टेकन पासओवर आई विल नहीं ब्रिंग दैट। पासओवर नहीं होता, आप बताइए कहाँ है बॉम्बे हाई कोर्ट? लॉर्डशिप अरे क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने? लॉर्डशिप बॉम्बे हाई कोर्ट हैज गिवन बेल इन पॉस्को मैटर उसके वेयर बाद ही वाज क्या हुआ? कंसेंटिंग सुप्रीम पार्ट कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, आपको मालूम है? नहीं मालूम है, और जज का कंफर्मेशन नहीं हुआ। यस लॉर्ड आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और नॉट? बेल होना ना होना ये दिस इज सेकेंडरी। यस लॉर्ड आप क्योंकि बडिंग एडवोकेट हैं, नए हैं बार में, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि पूरा पढ़ो। जब कोई भी जजमेंट पढ़ते हो तो जाके, अब तो नेट में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लाइव लॉ में या किसी में भी जाकर देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया है, स्टे किया है, या किसी भी सुपीरियर कोर्ट ने जहां का जिसका भी ऑर्डर है को कंप्लीट लेकर आओ। ठीक है, अगली बार से ऐसा करना। यस लॉर्ड आज तो इसको खारिज कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम से पूरी रिसर्च करके आना। यस लॉर्ड इसको विदड्रॉ करना है कि मैरिज पे चाहिए? लॉर्डशिप विदड्रॉ करना है। लिखिएगा श्री धीरज तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट प्रियानंद डोंगरे।